नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, शरीर के किसी भी अंग में, अगर आपके शरीर के किसी भी अंग में पथरी है तो उसे आप जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं, वो भी घरेलू तरीकों से। जी हाँ दोस्तों, घर पे ही एक ऐसे औषधि बताएंगे जिन्हें आप बनाकर, जिसका सेवन करके अगर आपको पथरी है तो इसे किस तरीके से आप दूर कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको एक होम्योपैथिक दवा भी बताएंगे जिसका भी आप उपयोग करके बहुत आसानी से और बहुत सस्ते में अपने पथरी को ठीक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहें। आजकल पथरी की समस्या आम हो गई है। आप हैरान होंगे कि इस बीमारी का इलाज भी हमारे घर आंगन में ही है, मगर हमारी मानसिकता हो गई है डॉक्टर के पास भागने की। आइए जानते हैं इस ऐसा उपाय जिसके बाद आप इस बीमारी को डॉक्टर के जिसका उपाय आप घर पे ही करेंगे और इसके बाद आप शायद ही डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे। पत्थर चट्टा नामक पौधा जो हमारे घर के आंगन में नहीं तो पड़ोस के किसी आंगन में अवश्य मिल जाएगा, जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे होंगे। इसे पाखाड़ भेद भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है पत्थर को तोड़ने वाला। यह पौधा यही पौधा पथरी के लिए रामबाण औषधि है। पत्थर चट्टा के 3 पत्तों को सुबह शाम को खाली पेट 20 से 25 दिन तक सेवन करने से पथरी टूटकर निकल जाती है। अतः आयुर्वेद बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। मूत्र संबंधी जितने भी रोग होते हैं उसे भी पत्थर चट्टा बेहद लाभदायक दवा होती है। ध्यान रखें, इस औषधि का सेवन करते समय चूना, बिना साफ किए हुए फल और अधिक चावल आदि का सेवन ना करें। बता दें कि पथरी की मुख्य वजह कैल्शियम होती है। शरीर में अधिक कैल्शियम का होना पथरी का कारण बनता है। अगर आपको यह पौधा ना मिले तो आप होम्योपैथिक उपचार भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी पौधे के बारे में हमने अभी तक आपको पौधे के बारे में बताया और आपको अब हम बताने जा रहे हैं होम्योपैथिक दवा के बारे में। इसे भी आप ध्यान से सुने। किसी भी होम्योपैथिक की दुकान पर जाएं और वहाँ बोलें बर्बरीज वल्गरीज नामक दवा वहाँ पर पूछें। साथ में याद रखें मदर ट्रिनिक्चर नाम, ये इसकी पोटेंशी होती है। पोटेंशी मात्र आप अगर दुकानदार को बता देंगे तो वो समझ जाएगा। बता दें कि बर्बरीज वल्गरीज दवा भी पत्थर चट्टी से ही बनती है। तरल रूप में पत्थर चट्टा का बॉटेनिकल नेम है बर्बरीज वल्गरीज। इस दवा की 10 बूंद को 1/4 कप, यानी कि 1/4 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 4 बार, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम और रात के समय लेने से 4 बार से अधिक, या 4 बार से अधिक ले या कम से कम 3 बार तो इसका जरूर ले। इसे लगातार 1 से 1.5 महीने तक लेने से कभी 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 तो 2 महीने तक भी लग सकते हैं, आपकी पथरी जड़ से खत्म हो जाएगी। जितनी भी पथरी हो, कहीं भी हो, गॉल ब्लैडर में हो या फिर किडनी में हो या फिर यूनिद्रा के आसपास हो या फिर मूत्रपिंड में हो, वो सभी स्टोन को पिघलाकर ये निकाल देता है। 2 महीने बाद सोनोग्राफी करवा सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कितना टूट गया है और कितना रह गया है। अगर रह गया है तो थोड़ी दिन और ले लीजिए, इस दवा का साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये तो हुआ जब पथरी टूट के निकल गई। अब दोबारा भविष्य में पथरी ना बने इसके लिए क्या, क्योंकि कई लोगों को बार बार पथरी होती है। एक बार पथरी टूट के निकल जाए अब कभी दोबारा नहीं आना चाहिए, इसके लिए क्या करें। इसके लिए एक और होम्योपैथिक दवा है जिसका नाम है China 1000, यानी कि CHINA 1000। इन सभी नामों को हम आपको
आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप इन सभी को पढ़ सकते हैं, इन दवाओं को, और स्टोर से जाकर ले सकते हैं। प्रवाही स्वरूप की इस दवा के एक ही दिन सुबह दोपहर शाम में दो दो बूंद सीधे जीभ पर डालें। सिर्फ एक ही दिन में ही इस दवाई को 3 बार लेने से फिर भविष्य में कभी आपको स्टोन नहीं बनेगा। याद रखें, ये कोई दवा नहीं, मात्र एक कोई ये कोई दावा नहीं है जो हमने आपको बताया, ये कोई दावा नहीं है, मात्र एक दवा है। इसलिए अपने डॉक्टर से आप इसके लिए ज़रूर सलाह लें, तभी इसका इस्तेमाल करें। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि आपकी पथरी इस दवा से ज़रूर ठीक हो जाएगी। ये एक दवा है, आप इस्तेमाल करें, अगर लाभ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इसकी सलाह करें। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आप भी इस दवा का इस्तेमाल करके अपने घर में ही अपने पथरी का इलाज करेंगे और बहुत ही आसानी से घर पर ही बहुत ही सस्ते में अपने पथरी का इलाज कर पाएंगे। मैंने भी इसका उपयोग किया था और मैंने भी इसका फ़ायदा पाया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी इस दवा के बारे में जान सकें और इसका उपयोग करके अपने पथरी का इलाज घर पर ही कर सके। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।